तो हेलो दोस्तों, तो करें आज की हमारी इस वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आप लोगों ने वन प्लस नॉर्ड लेना है या फिर पोको F3 GT, ये तो डिसीजन ले ही चुके होंगे पहले। क्या नहीं लिया है? अच्छा, कोई बात नहीं, बस इस वीडियो को आप एंड तक देखो, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपका वन प्लस नॉर्ड के बारे में जो भी ख्याल है वो ईजिली से क्लियर हो जाएगा। आप ईजिली से डिसाइड कर सकते हो कि हमें वन प्लस नॉर्ड लेना चाहिए या फिर नहीं। बिकॉज दोस्तों, मार्केट में आपको वन प्लस नॉर्ड के बारे में बहुत सी अच्छी बातें बताई गई है। लाइक वन प्लस नॉर्ड में आपको अच्छी SoC देखने को मिल रही है, इसमें आपको 90Hz का स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल रही है। तो इसी तरह की बहुत से अच्छी अच्छी बातें आपको मार्केट में सुनने को मिल रही है। बट दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वन प्लस नॉर्ड के बारे में कुछ कमियां, जो कुछ डाउन साइड्स हैं, वो बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना विदाउट मिसिंग ए सेकेंड। तो बिकॉज इस वीडियो को आपको देखने के बाद वन प्लस नॉर्ड 2 के बारे में आपका जो भी कंक्लूजन है मन में, वो सारी क्लियर होने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे पास ना ही नॉट 2 है, ना ही मैंने नॉट 2 को कभी यूज़ किया, ना ही कभी एक्सपीरियंस किया। बट दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जितना भी कमियां बता रहा हूँ वन प्लस नॉट के रिगार्डिंग, वो सभी अकॉर्डिंग टू दोस्तों वेबसाइट्स। तो चलिए करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करूँ आप वन प्लस नॉट 2 के बारे में, तो ये मैं भी मानता हूँ कि वन प्लस नॉट 2 इस प्राइस सेगमेंट, इस प्राइस बजट के साथ एक बहुत ही अच्छी फ़ोन है। बिकॉज दोस्तों, इसमें आपको डायमेंसिटी 1200 AI SoC का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और साथ ही इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे प्लस पॉइंट है नॉट 2 के पास, यहाँ पे जो वन प्लस नॉट 2 में आपको मल्टी बैंड, यहाँ पे 9 बैंड का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि शायद से वन प्लस 9 सीरीज में भी आपको इतने बैंड का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा था। शायद से वन प्लस 9 सीरीज में आपको 2 या 3 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट है। पर दोस्तों, ये तो हो गई वन प्लस नॉट की कुछ अच्छी बातें। तो यहाँ पे बात करूँ इसकी कुछ कमियाँ की, तो यहाँ पे जो सबसे पहली कमियाँ निकल के आती है वन प्लस नॉट 2 की, वो है दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी ऑफिशियली से IP रेटिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि मुझे एक बहुत ही गलत चीज़ लगी। बिकॉज दोस्तों, आजकल की जो फ़ोन आती है अंदर 20,000 में भी आपको IP रेटिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे और डाउन साइड्स की बात करूँ वन प्लस नॉट 2 में, तो एक जो और डाउन साइड्स है वो है ये कि दोस्तों, आपको वन प्लस नॉट में सिर्फ एक ही गेम 60 FPS पे रन करेगी, शायद से वो BGMI या PUBG हो। एंड सेकेंड, एक और बड़ी चीज़ कि दोस्तों, इसमें आपको हीटिंग प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं इस फ़ोन में। जब आप इसमें हैवी वर्क करोगे, लाइक PUBG खेलोगे, गेमिंग करोगे, तो इसमें आपको हीटिंग इशू देखने को मिल सकता है। एंड एक और चीज़, एक छोटा सा चीज़ इसमें, और जो गेमिंग एक्सपीरियंस को और बेटर कर सकता था अगर इसमें इंक्लूडेड रहता, वो है दोस्तों हेडफोन जैक। इसमें आपको अपना प्यारा दुलारा हेडफोन जैक देखने को नहीं मिल रहा। तो यही कुछ इसमें गेमिंग के रिगार्डिंग कुछ कमियां थी। अगर ऑल ओवर बात करूं, तो अगर आप हैवी गेमिंग करते हो तो आप इसके तरफ डेफिनेटली मत जाना। एंड अगर आप कैजुअल गेमर हो, तो कभी कभी आप गेमिंग करते हो, तब एंड ऑफ कोर्स आप वन प्लस नॉट 2 के तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों कुछ और डाउन साइड, कुछ और कमियाँ थी वन प्लस नॉट 2 में, तो वो दोस्तों आपको कैमरा के रिलेटेड देखने को मिल सकता है। जैसा कि दोस्तों, आप जब पिक्चर को क्लिक करोगे SDR मोड ऑन करके, तो आपको जो हैंडलिंग करने में SDR को हैंडलिंग, अपने फ़ोन को हैंडलिंग करने में पिक्चर कैप्चर करने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा आपको हार्डनेस फील हो सकता है। एंड सेकेंड बिग थिंग, जो यहाँ पे आपको UI इंटरफेस देखने को मिल रहा है, कैमरा में UI इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको थोड़ा वहाँ पे लैगी एक्सपीरियंस होगा। तो ऑल ओवर बात करो कैमरा में, तो यहाँ पे आपको जो शायद से अपडेट आने के बाद ये सब बग्स जो छोटी मोटी है, ये इजीली से हट सकती है। तो ऑल ओवर बात करूँ कैमरे की, तो यहाँ पे ये कोई बड़ी इशू नहीं है, ये जो आ सकता है आने वाले दिनों में अपडेट के द्वारा इसे ठीक कर लिया जाए। तो मैंने बता दिया कि कैमरा में ये छोटा मोटा बग्स है, तो शायद से आने वाले दिन में ये इसे इम्प्रूव कर दे, इसे ठीक कर दे। तो आप अगर चाहते हो तो वन प्लस के तरफ जा सकते हो, ये कोई बड़ी इशू नहीं है। वन प्लस नॉट 2 की एक बहुत ही बड़ी डाउन साइड है, वो है दोस्तों बेस वेरियंट की रिगार्डिंग। बिकॉज दोस्तों, यहाँ पर जो आपको बेस वेरियंट देखने को मिल रहा है 6GB 128GB, क्या आपको वन प्लस वाले इसे बाय करने का मौका देंगे या फिर नहीं? बिकॉज दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों, आपको जो वन प्लस नॉट 2 है वो बिल्कुल से सेम कॉन्सेप्ट, एक कहावत है कि दोस्तों, हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और होता है और खाने के लिए, चबाने के लिए कुछ और होता है। सेम चीज़ यहाँ पे है वो दोस्तों, कि जो वन प्लस नॉट 2 वाले हैं, वो दोस्तों दिखाने के लिए बस एक वेरिएंट निकालते हैं बेस वेरिएंट के नाम से, कि आपको ये अंदर 30,000, अंदर ये 28,000 देखने को मिल जाएगी।
बट दोस्तों जो इनका मेन फोकस रहेगा वो रहेगा दोस्तों इनका जो सेकेंड वेरियंट एंड थर्ड लास्ट वेरियंट रहेगा उस पर। बिकॉज दोस्तों जो अभी जो इनका कॉम्पिटिटर है पोको F3 GT, शायद से वो 28,000 के अंदर ही इनका फर्स्ट वेरिएंट आ रहा है, इसलिए शायद से वो इसे वेज वेरिएंट को इतना कम प्राइस में लॉन्च किया है। ऑल ओवर बात करो तो यहाँ पे आपको ना के ही बराबर OnePlus Nord 2 की बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा। अगर आप उस लकीएस्ट पर्सन में होंगे तो आपको शायद से OnePlus Nord 2 देखने को मिल जाए उसकी बेस वेरिएंट। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट ना लगे, अगर लगेगी तो सेम फंडा है दोस्तों, यही चीज़ यूज़ होगी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना।